देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि रात भर समुद्र में चले एंटी नार्को ऑपरेशन में पोरबंदर के पश्चिम की तरफ अरब सागर में पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। इस नाव से 86 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए है। नाव में मौजूद 14 पाकिस्तानी क्रू मेंबर को भी हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई 18 अप्रैल को की गई। दरअसल खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पाकिस्तान से निकले 600 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स की खेप को बीच समंदर पकड़ लिया गया। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के DGP विकास सहाय ने कहा कि पाकिस्तानी नाव से ड्रग्स को तमिलनाडु के एक नाव तक पहुंचाने की जानकारी मिली थी। आज से 4-5 दिन पहले 21 तारीख को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारी श्री KK पटेल को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान स्थित हाजी असलम उर्फे बाबू बलोच, ये एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट है अल रजा, उस फिशिंग बोट के द्वारा ड्रग का कुछ कंसाइनमेंट भेजेंगे और ये ड्रग का कंसाइनमेंट जो है वो हाई सी में तमिलनाडु से कोई वेसल आएगा उस पर ट्रांसफ़र करेंगे और तमिलनाडु का वेसल इसको फिर आगे श्रीलंका के जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हैं उन तक पहुँचाएगा। ये हमारे पास एक प्राथमिक इंफॉर्मेशन आई थी श्री KK पटेल के पास 21 तारीख को 21 अप्रैल को, जिसको फिर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अन्य जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ शेयर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत ATS ने इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद ली और दूसरे ही दिन 22 तारीख के सुबह पोरबंदर से इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल राज रतन में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर निखिल ब्रह्मभट्ट और पुलिस सब इंस्पेक्टर मनीष पटेल इस राज रतन इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल पर रवाना हुए और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को अंजाम देने के लिए, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये लोग रवाना हुए। कम से कम 4-5 दिन इन लोग हाई सी में रहे। फिशिंग बोट को आइडेंटिफाई करना ये छोटी बात नहीं होती है, इसको आइडेंटिफाई करने का अलग चैलेंज होता है, लेकिन हमने अपने स्ट्रैटेजी से हमारे अलग अलग प्रकार के इनपुट से 25-26 के रात को हमने इस अल रजा जो फिशिंग बोट थी उसको इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और क्योंकि ये फुल मून था रात के समय और दूर से दिख जाता है तो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मदर वेसल थे उससे हटके छोटे वेसल में हमारी टीम अल रजा के पास पहुंची। पाकिस्तानी फिशिंग बोट अल रजा पे कुल 14 लोग जो सब पाकिस्तान के हैं वहां मौजूद थे, उनको डिटेन किया गया और अल रजा फिशिंग बोट की सर्च एंड सीजर जो होती है नियम के मुताबिक वो की गई और इस सर्च एंड सीजर में इस फिशिंग बोट से टोटल कुल 78 पैकेट मिली जिसका वज़न करीब करीब 86 kg है। इसके अंदर जो प्राथमिक हमने इंक्वायरी की है और जो सैम्पलिंग किया है, ये जो 86 kg कंसाइनमेंट है ये कंसाइनमेंट एक वाइट पाउडर है हेरोइन, जिसकी इंटरनेशनल कीमत करीब करीब 602 करोड़ बताई जाती है। वहीं ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों के पकड़े जाने के बारे में जानकारी देते हुए NCB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि ये नाव भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ा गया है। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए और आम चुनावों में ड्रग्स का पैसा वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना करे, इसके लिए हम लोगों ने NCB में आवश्यक कदम उठाए हैं। हमारे DG श्री सत्यनारायण प्रधान जी ने अभी हाल ही में सागर मंथन नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत ये हमें तीसरी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। हमने आज 86 किलो हेरोइन
और मेथएम्फेटामिन के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है। ये ऑपरेशन पोरबंदर से दूर गुजरात से लगे हुए भारतीय जल क्षेत्र के बीच एक नौका द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन में एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच, गुजरात एटीएस पुलिस एवं इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये साझा ऑपरेशन किया गया। आपको ज्ञात हो कि इसके पहले भी समुद्र मंथन वन में हम लोगों ने 3300 किलो ड्रग्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। समुद्र मंथन टू में 6262 किलो मेथएम्फेटामिन हम लोगों ने बरामद की थी और आज ये तीसरा सफल ऑपरेशन हुआ है जिसमें 14 नागरिकों से पूछताछ अभी जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश में नशीली पदार्थों की ये सबसे बड़ी जब्ती है। इधर आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए नाव और चालक दल को पोरबंदर लाया गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।